दोस्तों मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग बड़ी सी मकड़ी देखकर भी डर जाएंगे, फिर सांप का तो कहना ही क्या। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जरा भी डर नहीं लगता। हम सोचते हैं कि ये लोग बहादुर होते हैं या उनके जीन में इसका रहस्य छिपा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके मस्तिष्क की जांच पर सामने आया कि ये सिर्फ उनके मस्तिष्क की ताकत यानी ब्रेन पावर के कारण नहीं होता, बल्कि ये एक तरह की बीमारी है। इस जेनेटिक डिजीज के मरीजों के मस्तिष्क का वो हिस्सा ही काम नहीं करता जिससे डर का पता चलता है। कुछ टेस्ट करने पर भी कुछ लोगों को डराने की बहुतेरी कोशिशें बेकार रही। अमेरिका की एक 44 वर्षीय महिला का सनसनीखेज मामला आने पर सबसे पहले ये बात उठी कि डर न लगना सिर्फ सोचे जाने से नहीं होता होगा। महिला जिसकी पहचान छिपाने के लिए उसे SM नाम दिया गया, उसे जिंदगी छीन लेने वाले हालातों में भी डर नहीं लगा। उन्हें कई तरह से डराया गया पर सारे प्रयास विफल रहे। यहाँ तक कि कमरे में जहरीले सांपों के बीच छोड़ने पर भी SM ने मदद नहीं मांगी, बल्कि सांपों को छूने के लिए आगे बढ़ने लगी। तब जैसे तैसे उसे रोककर सांपों को जार में वापस भरा गया। SM पर वैज्ञानिक पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से प्रयोग कर रहे हैं। इसी दौरान ये पता चला कि उसके मस्तिष्क में डर जगाने वाला हिस्सा एक्टिव ही नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के वैज्ञानिकों की स्टडी में साबित हो गया कि बीमारी की वजह से उसके ब्रेन का एक खास हिस्सा प्रभावित हुआ है, जिसके कारण उसे किसी किस्म का डर नहीं लगा। ये स्टडी कर बायोलॉजी नामक साइंस जर्नल में प्रकाशित हो चुकी है। तो आखिर क्या है ये बीमारी, आइए जानते हैं। मस्तिष्क की इस बीमारी को उर्बेक्वाइटी डिजीज कहा जाता है। ये एक तरह की रेयर जेनेटिक बीमारी है जिसमें शरीर के कई हिस्से खड़े हो जाते हैं, साथ ही इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इसका एमिग्डाला नामक हिस्सा इतना सख्त हो जाता है कि इस तक तंत्रिकाएं डर का संदेश नहीं पहुंचा पाती हैं। इस जेनेटिक बीमारी से हालांकि बरकास पर दूसरा कोई असर नहीं होता है, लेकिन डर नहीं लग पाता है। इसके 3 मुख्य लक्षण हैं: आवाज में भारीपन, आंखों के आसपास छोटे छोटे दानोनुमा उभार और मस्तिष्क में कैल्शियम का जमाव, जो कि CT स्कैन में ही पता चलता है। ब्रेन में यही कैल्शियम डर तो खत्म करता ही है। उम्र के आगे के पड़ावों पर इसके मरीज को मिर्गी का भी डर रहता है। पूरी दुनिया में अब तक इस बीमारी के 400 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। तो डर में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम करता है? ब्रेन में एमिग्डाला नामक हिस्सा डर को महसूस करता है। ये तंत्रिका कोशिकाओं से बना बादाम के आकार का हिस्सा है जिसका एक निश्चित काम है। जब कोई खतरनाक स्थिति आती है तो एमिग्डाला शरीर को खराब हालात के संदेश भेजता है। इसी के इशारे पर हम तय कर पाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और भागने या कोई भी एक्शन लेने का फैसला कर पाते हैं। एमिग्डाला के संदेश भेजने का पहला लक्षण है हमारे दिल का धड़कन का तेज होना और हथेलियों पर पसीना आना। तो क्यों हमारे लिए जरूरी है डरना? डर के बुरे पहलुओं के साथ ही अच्छे पहलू भी हैं। यानी डर महसूस करने के कई फायदे हैं, जैसे इससे हमारा मस्तिष्क सही गलत का फैसला ले पाता है और इमरजेंसी सिचुएशन में सही ढंग से एक्ट करता है। डरे हुए लोग ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम करते हैं। स्टडीज में साबित हो चुका है कि डर भी दूसरी भावनाओं की तरह अहम भाव है, जिसे महसूस करने के बाद हमारे पास आफ्टर स्ट्रेंथ आती है, यानी हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। उस अमेरिकी मरीज के मामले में एमिग्डाला पूरी तरह से निष्क्रिय था। इससे न तो वो खुद डरती थी बल्कि दूसरों के चेहरे पर भी डर के भावों को नहीं समझ पाती थी। डर के अलावा बाकी सारे भाव जैसे प्यार, गुस्सा, दुख जैसे भाव इस मरीज में आम लोगों जैसे ही थे। अब वैज्ञानिक SM के मस्तिष्क का और बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे मिले निष्कर्ष की मदद से उन लोगों की मदद हो पाएगी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।